हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका नमस्ते ताइवान यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हो, पहले एपिसोड में हम लोग रास्ता भटक चुके थे, तो बहुत ही जद्दोजहद के बाद हम लोग यहाँ पर सनमून लेक में पहुँचे हैं। तो सच में यार धागा खोलकर रख दिया यार, क्योंकि मेरे घर से सनमून लेक 100 किलोमीटर की दूरी पे है और हम लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं सनमून लेक में। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था ये सफ़र हमारा, क्योंकि रास्ता हम लोग बार बार भटक रहे थे और बहुत ही प्रॉब्लम है रास्ते में हमको आ रही थी। तो चलिए गाइस, फाइनली जब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो मैं आपको ले चलता हूँ ये पूरे प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आइए मेरे साथ। हाँ तो गाइस, आप देख सकते हैं हम दूसरी साइड पे आ चुके हैं सनमून लेक की। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, जो ये रास्ता बनाया हुआ है इन लोगों ने, यहाँ पे आप लोग बाइसिकल चला सकते हैं। ये जो लंबा रास्ता है, ये पूरे सनमून लेक के इर्द गिर्द पूरा सनमून लेक के बनाया हुआ है इन लोगों ने ये पूरा रास्ता। तो यहाँ पर आप किसी भी शॉप से, यहाँ पर बहुत सारी शॉपें हैं, आप बाइसिकल यहाँ पर रेंट कर सकते हैं और बाद में यहाँ पर आप पूरे सनमून लेक के आसपास आप बाइसिकल चला कर यहाँ का जो एरिया है इसका पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बाइसिकल लोग चला रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से जो नज़ारा है गाइस, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देखिए, ये पूरा सनमून लेक इधर पे है और सामने जो है पूरे जो हिल स्टेशन बनाए हुए हैं लोग ने, आप देखिए। और यहाँ से आप सामने, यहाँ से आप सामने की ओर देखोगे तो यहाँ पर ये लोग ने बहुत सारे होटल्स बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ पर होटल में आप कमरा बुक कर सकते हैं यहाँ पर, और जब आप सनसेट और सनराइज़ का जो टाइम है वो बहुत ही खूबसूरत आप अपने रूम के खिड़की से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो ये वे बनाया हुआ है, मैंने अभी आपको बोला तो ये बाइसिकल के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे से आप इलेक्ट्रिक बाइसिकल या तो फिर जो नॉर्मल बाइसिकल होता है आप उसको रेंट कर सकते हो, और बाद में जो ये सनमून लेक के आजू बाजू ये पूरा जो बाइसिकल वे आप बनाया हुआ है उसके ऊपर आप ये पूरी राइडिंग यहाँ पर कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बाइसिकल जो लोग चला रहे हैं, ये लोग पूरा जो सनमून लेके उसके आजू बाजू आप चलाओ यहाँ से। और बाइसिकल का प्राइस भी बहुत चीप है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बाइसिकल का जो भी प्राइस है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल है या तो फिर जो नॉर्मल बाइसिकल है, यहाँ पर दोनों टाइप के बाइसिकल होते हैं। अगर आप जो फार वे भी आप नहीं चला सकते तो आप सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइसिकल ले लीजिए, उस पर सिर्फ आप बैठोगे और जैसे कि हमारी बाइक में जो एस्केलेटर आता है ऐसा, बस आप उसको प्रेस करोगे तो उसकी स्पीड होगी मिनिमम 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की होगी। तो आप धीरे धीरे चला कर ये पूरा एरिया आप यहाँ पर घूम सकते हो। चलिए गाइस, हम लोग दूसरी साइड पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ हमें क्या देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो चलिए आइए गाइस मेरे साथ। गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारी प्राइजें लिखी हुई हैं। अगर जो आपको यहाँ पर फेरी चाहिए और साइकिल चाहिए तो आपको 300 ताइवान डॉलर में मिलेगी, और आपको ये फेरी और जो ये रोप वे है, जो आपको ये चाहिए तो आपको 450 ताइवान डॉलर में मिलेगी। और बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो शिप्स है आप उसको यहाँ पर से ले सकते हो। और यहाँ पर ये ऑनर है, से हाय हाय। हाँ तो भाई साहब, यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल है वो ऐसी दिखती है, ये है जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है जो नॉर्मल बाइसिकल। तो इसमें से आप कोई भी बाइसिकल आप चूज़ कर सकते हो और यहाँ का जो अराउंड का जो एरिया है यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो। तो गाइस, आप यहाँ पे जो मेरे पीछे देख रहे हैं जितनी भी बोट्स है, तो आप यहाँ पर ये सारी बोट को आप रेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको आगे बताया, वहाँ पर कुछ एजेंट की कुछ शॉप्स है, आप वहाँ से जाकर टिकट ले सकते हैं, और बाद में आप टिकट लेकर आकर यहाँ से आप आएंगे और यहाँ से आकर आप जो आपकी टिकट है वो बोट ड्राइवर को आप दिखाएंगे, और बाद में वो आपको बोट में डालकर आपको वहाँ तक ले जाएगा सामने, जो आपको जो माउंटेन दिख रहे हैं सामने, तो आप बोट के ज़रिए आप उधर तक सामने तक जा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आप होटल्स भी रेंट कर सकते हैं। तो गाइस, आप आइए यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये सामने आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत बहुत बड़ा होटल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस होटल में आप अपने कमरे बुक कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सनसेट और सनराइज़ के टाइम का यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। तो
आप ये होटल के खिड़की से यहाँ पर जो सामने जो माउंटन से, आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सामने यहाँ पर जो माउंटन से आप यहाँ का खूबसूरत नज़ारा इस होटल की खिड़की से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए तो तब आप जो 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 ये माउंट जो जो ये सनमून लेक के जो फेसिंग की तरफ जो होटल से आप वही बुक करिए यहाँ पर आकर, और यहाँ से आपको बहुत बहुत से बहुत अच्छा खूबसूरत आपको नज़ारा यहाँ पर दिखेगा। तो चलिए गाइस हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो एंड हो रखा है जो ब्रिज का, मैं वहाँ पर आया हूँ और आप देख सकते हो ये जो पूरा एंड है जो ये रबर का बनाया हुआ है और ये पूरा जो शेकिंग कर रहा है। तो आप यहाँ तक आ सकते हो और आप अच्छे से अच्छे यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हो। आप देख सकते हो जो बोट है वो मेरे पीछे है यहाँ पर, तो मैं आपको बोट की तरफ नहीं चलूँगा यहाँ पर। तो आइए गाइस मैं आपको बोट दिखाता हूँ। तो गाइस आप बोट यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सिटिंग स्पेस बहुत ही बड़ा है। आप यहाँ पर बैठ सकते हो या तो फिर आप अंदर बैठ सकते हो। ये बोट अंदर में एसी, यहाँ पर आपको एसी और नॉन एसी की भी सुविधाएं दी गई है। अंदर में आपका एयर कंडीशन रूम है और बाहर आप चाहो तो आप बाहर भी बैठ सकते हो। तो यहाँ पर खूब सारी बोटें आप देख सकते हो। यहाँ पर एक और बोट आ रही है और वहाँ से एक और बोट जा रही है। तो ये बोट मैंने जैसा कि आपको कहा कि उस साइड पर इधर पर जो माउंटेन्स है खूबसूरत सा, वहाँ पर आपको लेके चलेगी। और ये देखिए आप यहाँ तक आ सकते हो। ये देखिए ये पूरा शेकिंग कर रहा है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर आपको ये लकड़ी के कुछ सहार दिए हुए हैं, आपको इसको पकड़ के खड़ा रहना पड़ेगा। तो देखिए गाइस ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है। मेरे पीछे यहाँ पर बहुत ही बड़ा मार्केट है। तो जैसे कि आप सन मून लेक में आ गए, आपने सब कुछ विज़िट कर लिया और अगर आप जो हंगरी फील करते हो तो आप यहाँ से सीधे ही इस मार्केट में आ सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा मार्केट। तो आइए मेरे पीछे। तो गाइस चलिए ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो, और आप लोग बने रहिए नमस्ते ताइवान यूट्यूब चैनल के साथ। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ताइवान के रिलेटेड सारे वीडियो यहां पर मैं लाता रहता हूं। और अगर आप इंटरेस्टेड है ताइवान के बारे में सब कुछ जानने के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय और जय जियन।